हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बैंकिंग करियर पर। मेरा नाम उमेश यादव है। दोस्तों, इस वीडियो में एसबीआई क्लर्क 2021 एग्जाम के बारे में बात करेंगे। आपके सामने जो है बिगेस्ट चैलेंज है, उसको कैसे आपको डील करना है और एसबीआई जूनियर एसोसिएट 2021 एग्जाम में कैसे आपको सक्सेस लेना है, इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट का जो है बहुत सारा क्वेश्चन भी है, उसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप सब लोग जो है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और दोस्तों, आप सभी को मैं रियल में मोटिवेट करता हूँ, आप सब लोग जो है अभी से एसबीआई जूनियर एसोसिएट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट का जो है बहुत सारा क्वेश्चन है, जैसे कि सर नोटिफिकेशन कब आएगा, प्री एग्जाम कब होगा, मेन एग्जाम कब होगा, कैसे प्रिपरेशन करें, कहाँ से प्रिपरेशन करें, एटीसी क्वेश्चन आप लोग जो है हमेशा पूछते रहते हो। दोस्तों, आपके सामने सबसे बड़ा जो है बिगेस्ट चैलेंज यही है कि आप जो है इतने सारे क्वेश्चन पूछते हैं और आपको एसबीआई जूनियर एसोसिएट 2021 एग्जाम में सक्सेस लेनी है, तो आपको जो है अलग तरीका से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको हमेशा जो है गाइड करता हूँ, मोटिवेट करता हूँ। जैसे दोस्तों, सबसे बड़ा आपके सामने जो है बिगेस्ट चैलेंज रहेगा, नोटिफिकेशन आएगा, उसमें अनुमानित है कि 8000 प्लस जो है पोस्ट आए, तो सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा आपको प्री क्वालिफाई करके 80000 में जाना। इसको ध्यान से सुनिएगा आप दोस्तों, आपके सामने जो है सबसे बड़ा चैलेंज है कि आपको जो है प्री क्वालिफाई करके मेन के लिए जो है 80000 कैंडिडेट का अगर 8000 वैकेंसी आता है तो 80000 में आपको जाना। ये सबसे बड़ा जो है आपके लिए बिगेस्ट चैलेंज रहेगा। और उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, प्री एग्जाम के लिए अभी से जो है अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। उसके बाद आपका सेकंड सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा 80000 में से जो है आपको 8000 में आकर के और आपका जो है फाइनल सिलेक्शन लेना, ये सबसे बड़ा जो है आपके लिए चैलेंज रहेगा। इसके लिए आपको जो है अभी से मेन एग्जाम का प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो आप ऐसे जितने सारे कैंडिडेट ये पूछ रहे हैं कि सर नोटिफिकेशन कब आएगा, प्री का एग्जाम कब होगा, आपको पता है मैं आप सभी को बहुत सारे वीडियो में जो है बताया हूँ कि इस मंथ के लास्ट तक और अप्रैल के फर्स्ट वीक तक अपना एसबीआई जूनियर एसोसिएट 2021 का नोटिफिकेशन आ जाएगा और प्री एग्जाम जो है मई और जून में शेड्यूल है, कन्फर्म इन्फॉर्मेशन है। तो आपको अभी क्या करना चाहिए, प्री के साथ साथ जो है आपको मेन का प्रिपरेशन करना चाहिए। आपको इतनी अच्छे से प्रैक्टिस करना है कि अभी जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो उसमें आपको प्रीवियस ईयर का जो कटअप था एसबीआई क्लर्क प्री का आपके स्टेट का, उतना आपको जो है एटलीस्ट स्कोर होना चाहिए। अगर आपका स्कोर उतना नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, आपके जो वीकनेस है उसको इम्प्रूव करना है और उस पर जो है आपको वर्क करना है। और एक डेडिकेशन के साथ, मोटिवेशन के साथ आपके मन में हमेशा ये बात चलना चाहिए कि मुझे एसबीआई जूनियर एसोसिएट 2021 एग्जाम में सिलेक्शन लेना है। और आप ये सोच करके प्रिपरेशन करोगे तो आपको 100% आपके एग्जाम में सफलता मिलेगा। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट जो है अच्छे क्वालिटी का टेस्ट नहीं करते हैं, उससे जो है डीमोटिवेट हो जाते हैं। दोस्तों, आप लोग जो है अच्छे क्वालिटी का टेस्ट कीजिए। जैसे मैं आप सभी को ग्रेड अप का ग्रीन कार्ड टेस्ट सजेस्ट किया हूं, उसमें मोर देन 420 प्लस मॉक है। एसबीआई जूनियर एसोसिएट की बात करें तो प्री का जो है 20 प्लस मॉक है, सेक्शनल टेस्ट है, मेन का टेस्ट है और एकदम आपके एग्जाम पैटर्न पर बनाया गया है, तो वहाँ से जाकर के आप कर सकते हैं। नहीं तो बाकी जो अच्छे टेस्ट है मार्केट में आप लोग वहाँ से लेकर के कर सकते हैं। आप ग्रेड अप का ग्रीन कार्ड टेस्ट ले लीजिए, मैं आप सभी को सजेस्ट किया हूँ अपने चैनल से। आपको मैक्सिमम जो है डिस्काउंट भी मैं दिलाता हूँ, 35% जो है डिस्काउंट मिलता है। डिस्क्रिप्शन में सभी डिटेल दिया हूँ, जाकर के एक बार जो है देख लीजिएगा। आपको अच्छा लगता है तो उसको जरूर जाकर के परचेज कीजिएगा और वो 20 टेस्ट में से आप 20 लगा देते हो तो आपका प्री जो है 100% निकलेगा, इसका गारंटी मैं आपको देता हूँ। तो दोस्तों, आपको जो है अच्छी क्वालिटी का आपको टेस्ट करना है और प्री का जो है डेली बेसिस पर आपका एक टेस्ट होना चाहिए, उसका प्रॉपर जो है एनालिसिस करके और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है उसको जो है अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी से आपको जो है मेन का प्रिपरेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी से मेन का प्रिपरेशन करोगे तो ही आपको जो है सक्सेस मिलेगा। उसके लिए जो है करंट अफेयर आपको डेली बेसिस पर पढ़ना है, बैंकिंग का स्टैटिक का पार्ट आपको अभी से जो है कंप्लीट करके रखना है। और उसके लिए आप मुझे अन अकेडमी पर जरूर फॉलो कीजिए। आप लोग मुझे अन अकेडमी पर फॉलो कीजिए, मैं आपको बैंकिंग का सीरीज स्टार्ट कर दिया हूँ, स्टैटिक का भी स्टार्ट करने वाला हूँ और आज से ही मैं करंट अफेयर का भी जो है शाम को जो है वीडियो लेकर के आने वाला हूं, तो उस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। आप सब लोग जो है मुझे करंट अफेयर के लिए फॉलो कर सकते हैं, मैं ऑन एकेडमी पर स्पेशल क्लास आप सभी के लिए जो है अरेंज किया हूं। तो दोस्तों, आप सबके सामने जो है सबसे बड़ा बिगेस्ट चैलेंज है, अपने मन से ये निकाल दीजिए कि नोटिफिकेशन कब आएगा, प्री एग्जाम कब होगा, मेन एग्जाम कब होगा, अपना एग्जाम जो है होने वाला है, उसके लिए आपको अभी से जो है रेडी हो जाना है। आई होप दोस्तों, मैं आप सभी को जो बताया आप सबको जो है
इससे मोटिवेशन मिला होगा और अभी से डेडिकेशन के साथ जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। आप मुझे ज़रूर अनअकैडमी पर फॉलो कीजिए और दोस्तों आप लोग जो है जो ग्रेडअप का ग्रीन कार्ड टेस्ट सजेस्ट किया उसको भी जा करके लीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट मेमोरी बेस्ड पेपर का भी लिंक दिया हूँ, उसको भी जा करके अटैम्प्ट कीजिए और जम के प्रिपरेशन कीजिए, 100% सक्सेस मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बैंकिंग करियर, गॉड ब्लेस यू ऑल।